ये टैंकर्स के बिल है 70 लाख रुपए के। यहाँ पर पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं है, और हम एक TMC ऑथराइज्ड इसमें रहते हैं। हमारे बिल्डर ने डायरेक्टली टैंकर्स मंगाने लग गए और टैंकर्स के पेमेंट करने लग गए। जब प्रेशर पड़ता है, लोग शोर मचाते हैं, एक हफ्ता पानी देते हो, उसके बाद क्या हो जाता है अचानक? अब लॉकडाउन के 3-4 महीने पहले की बात है कि पानी का सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गया। लेकिन जिनके घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और उनको 10 मिनट पानी मिल रहा है, आप बताइए कैसा सरवाइव करेंगे? जो आपने सैंक्शन किया है पानी की लाइन, उतनी तो लाइन दीजिए पहले, आप उतनी लाइन का पैसा बराबर ले रहे हैं। टैक्सेस पेड है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड है, वाटर टैक्स पेड है, उसके बाद हमने 70 लाख रुपीज का प्राइवेट टैंकर मंगाया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा एक ऐसा शहर है जहां पानी के लिए किसी न किसी इलाके में हंगामा मचा रहता है। वजह, पानी न आना या फिर पानी कम आना। MM वली के सुकून हाइट सोसाइटी में भी पानी के लिए लोग परेशान हैं। लाखों करोड़ों रुपए मुंब्रा में पानी की रिमॉडलिंग के लिए खर्च हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद पानी की मुसीबत मुंब्रा में कम नहीं हो रही है। सुकून हाइट सोसाइटी के लोगों ने बताया कि मनपा से लेकर स्थानीय नेताओं तक की ये चक्कर लगा चुके हैं, मगर इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। अब सोसाइटी वालों ने ये भी जानकारी दी है कि अब तक करीब 70 लाख रुपए के टैंकर पानी खरीद कर ये पी चुके हैं, मगर लोगों ने ये भी बताया है कि जो पानी आता है उस पानी में किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और ऊपर से सोसाइटी में इमारतें भी बढ़ती जा रही हैं। शिकायत करने पर हफ्ते भर पानी सही आता है, मगर उसके बाद हालात फिर बद से बदतर हो जाते हैं। MM वली सुकून हाइट सोसाइटी में लोग पानी के लिए परेशान है, तो सोचिए मुंब्रा के और इलाकों का क्या हाल होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुंब्रा का पॉश इलाका कहे जाने वाला सुकून हाइट्स में आखिर पानी के लिए लोगों को कब सुकून मिलता है। पानी का क्या मसला है यहाँ पर, पानी क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है? पानी Day 1 से जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, तो धीरे धीरे जब बिल्डिंग्स भरती है, पहले शुरुआत में 2 माले 4 माले 5 माले, तो जैसा आना आना शुरू हुआ उतना पूर्तता थी हमारे पास में, लेकिन जैसी एक पहली बिल्डिंग पूरी भर गई तो बिल्डर जो होता है वो एक साल तक प्रमोटर रहता है, मेंटेनेंस मैनेज करना, बिल्डिंग में सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनको Day 1 पे अगर पानी हमको नहीं मिल रहा है तो दे शुड हैव प्रेशराइज्ड TMC कि आप लाइन तो दे दी है, पानी भी आप सैंक्शन प्रोवाइड कीजिए। लेकिन पहला ही अप्रोच गलत रहा था कि हमारे बिल्डर ने डायरेक्टली टैंकर्स मंगाने लग गए और टैंकर्स के पेमेंट करने लग गए। शुरुआत से 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, दूसरी बिल्डिंग आ गई, उनका 1 साल गुजर गया, 200 लोग हो गए, टैंकर्स डबल हो गई, फिर वो पूरा गुजर गया, फिर तीसरी बिल्डिंग आ गई, हर एक बिल्डिंग में 100-100 फ्लैट्स है, 100-100 फ्लैट्स के अंदर काम वो चलता गया, तीसरी बिल्डिंग आ गई। जब तीसरी बिल्डिंग के हम लोग टेनेंट्स थे, एक 3-4 महीना हमको समझ में आई कि टैंकर्स मंगा रहे हैं, हमको समझ में ही आने के लिए इतना टाइम लग गया, लेकिन जब हमारे को वी गॉट टू नो कि दिस इज़ द एंटायर केस, तो हम लोगों ने उसको स्ट्रांगली अपोज किया कि हम टैंकर्स नहीं मंगाने देंगे, वो भले पानी आपको प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ से हमको एक जवाब ये मिला कि भाई पाइप लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, पानी देने की जिम्मेदारी TMC की। तो हमने कहा कि भाई आप हमको फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट है, हमने आपसे कोई चीज़ लिया और अगर Day 1 पे वो ख़राब निकली तो हम कंपनी को नहीं अप्रोच करेंगे, हम आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपने वही चीज़ दिया। एक हमको मोबाइल ले लिया हमने दुकान से, वो मोबाइल अगर हम घर पे लेके गए और ख़राब मिला तो हम पहले दुकान वाले के पास जाते, सर्विस सेंटर में नहीं जाते। सर्विस सेंटर में एक टाइम पीरियड है, 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, ख़राब हो गया तो हम सर्विस क्लेम करने जाते, लेकिन ये तो चीज़ जो हमको दी गई वही डिफेक्टिव है, और उसके ऊपर से आपने बराबर टैंकर्स पूरी तरह से मंगाते गए तो वो हमको नहीं जमा। तो हम लोगों ने कलेक्टिवली जो है कंप्लेंट करने के लिए सालुंके साहब के ऑफिस में गए, वहाँ पे जब हमने कंप्लेंट किया उनको और एजिटेट किए हम लोगों ने, तो पानी का उन्होंने ऐसा सोल्यूशन दिया कि हमको स्टेडियम से 2 लाइन प्रोवाइड की, वो 2 लाइन में अलहमदिल्ला इतना अच्छा पानी आया कि 6-8 महीने तक कि हमको कोई तकलीफ नहीं हो, और 2 लाइन में जहाँ के सैंक्शन लाइन हमारे को पर बिल्डिंग 6 लाइन सैंक्शन है, तो 18 से 24 लाइन हमको सैंक्शन होनी चाहिए, लेकिन हम 2 लाइन में पूरा पानी पिए और हमने कभी कंप्लेंट भी नहीं किया। इसके बाद में पानी का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लग गया। अब लॉकडाउन के 3-4 महीने पहले की बात है कि पानी का सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गया, तो हमने अप्रोच किए पहले अपने लोकल कॉरपोरेटर्स को, लोकल कॉरपोरेटर की तरफ से हमको इमरान सुरमे साहब की तरफ से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मिला, उन्होंने हमारे से मीटिंग रखवाया
सालों के हिसाब से, और उनको 5 दिन का टाइम दिया कि 5 दिन में आप इनका सॉल्व कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सॉल्व नहीं हो पाया। हमने अपने दूसरे कॉर्पोरेटर सिराज डोंगरे साहब से अप्रोच किया, मल्टीपल टाइम अप्रोच किया, लेकिन हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला वहाँ से। इनफैक्ट रिस्पॉन्स ये मिलता था कि हम 1 दिन में कॉल करते, 2 दिन में कॉल करते, अब भी बात करके 10 मिनट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से। स्थिति क्या है यहाँ की इमारतों की, किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं? सर ऐसा नहीं है, पानी आज की कंडीशन में 100 फ्लैट में सुबह में 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, शाम में 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हमको नहीं मिल पाता था। 400 फ्लैट 400 फ्लैट में वो भी किसी को मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं वो भी, क्योंकि आप जब छोड़ोगे पानी, नीचे आने से पहले किसी की टाँकी भर जाएगी। और हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जीरो वेस्टेज है, अगर हमारे यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है तो हम फाइन मारते, किसी का भी वॉल हमको खुला मिला हम फाइन मारते। हर फ्लैट के अंदर में वाटर टैंक्स लगी हुई, आप किचन साइड देख सकते हैं, हर जगह पर वाटर टैंक लगी हुई, तो पानी वेस्टेज जीरो है यहाँ पर। हमारे पास STP है वर्किंग कंडीशन में, हम अपने ड्रेनेज फ्लश के लिए हम रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं है हमको, और हम एक TMC ऑथराइज्ड इसमें रहते। OC आपने कैसे दिए अगर आपके पास पानी का कोई प्लानिंग नहीं था, तो कैसे आपने OC प्रोवाइड किया? TMC से हमारा यही सवाल है, और हर बार हमने न्यूमरस टाइम अप्रोच किया। TMC के जो अधिकारी हैं इस बारे में उनसे आप लोगों ने रब्ता किया? विनोद पवार साहब, सालुंके साहब, सूरज राणे साहब, थोराट साहब, ये सब लोगों को हम लोगों ने पिछले 2 से 3 साल तक अप्रोच कर सुनवाई मतलब सर हर बार जब जाते थे चलो ठीक है अभी आपका काम शुरू करते, 7 दिन इनकी लाइन चेकिंग को जाता है, 7 दिन तब तक हम टैंकर मंगाते रहते, 7 दिन लाइन चेक करते, 8वें दिन बोलते लीकेज मिल गया, 9वें दिन वो लीकेज को सॉल्व करते, 1 हफ्ता पानी बहुत अच्छा आता है, 10वें दिन गेट बैक टू नॉर्मल, ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा। पूछना तो वही है ना, जब 1 हफ्ते पानी अच्छा आ सकता है तो हमेशा क्यों नहीं आ सकता? जब प्रेशर पड़ता है लोग शोर मचाते हैं तो 1 हफ्ता पानी देते हो, उसके बाद क्या हो जाता है अचानक, वही लाइन्स है, वही टैंक्स है, वही सब कुछ वही है, 1 हफ्ते कैसे आता, बाद में फिर कैसे बंद हो जाता है, मतलब इधर आप भी सोचिए। नियर अबाउट हमने 70 लाख रुपए के टैंकर्स खरीदे पिछले 4 से 5 साल, इनवॉइसेस पड़े हुए हमारे पास, पूरे बिल पड़े हुए, प्लस हर साल का पानी का टैक्स ऑन टाइम पे किया है, सारा पेड है, जितने भी टैक्स सारी चीजें पे करे, टैक्सेस पेड है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड है, वाटर टैक्स पेड है, उसके बाद हमने 70 लाख रुपीज का प्राइवेट टैंकर मंगाया, तो इसकी भरपाई कौन करे? ये देखिए TMC देगा, बिल्डर देगा, या कौन देगा? टैंकर्स के बिल है ये टैंकर्स के बिल है 70 लाख रुपए के, बोल रहे हैं महीने का 1 लाख एक बिल्डिंग का, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, चेक पेमेंट है, पूरा रिकॉर्डेड है, इनवॉइस के साथ में, कोई भी आके इसको चेक कर सकता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हार्ड कोड रिकॉर्ड है, जो फैक्ट्स हैं वो है। अब आप सोचिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे आगे, जो ये तो पहला कदम, उसके बाद देखिए अभी आज पानी है, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, और यहाँ आप लोग का जो एरिया है ये काफी अच्छा और VIP एरिया यहाँ पर ये स्थिति जी। तो आप सोचिए ना, ये इस एरिया, ये जो है एरिया, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, रोड पे आएंगे, जो हम नहीं करना चाहते आप करवा रहे हैं। इसके बाद क्या हमें कंपेल मतलब लास्टली हमें फोर्स किया जा रहा है, आप भी लीगल वे में काम करो, अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसीजर है प्रॉपर एक SOP सेटअप है उसके अकॉर्डिंग करें। बट जैसे बगल में हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कॉलोनी का, बट एवरी मंथ 2 या 3 बार हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर नहीं हो रहा है। और सेकेंडली हमने OC रुकवाने के लिए बिल्डिंग नंबर 4, जब हम 3 बिल्डिंग सफ़र कर रहे थे, हमने TMC कमिश्नर को लेटर लिखा, मेल किया, इवन हमारे रेगुलर ट्वीट भी हैं अगर आप देखोगे तो, क्या हमने बोला OC नहीं दिया जाना चाहिए उसका, क्योंकि अभी ओवरऑल हमें ही नहीं मिल रहा है जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मिस्टर सालुंके ने क्या कहा, हमने उनसे सवाल किया कैसे OC मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये क्या नाम है, OC हमने लिखा सब्जेक्ट टू कंडीशनल OC लिखा है, हमारा पानी आएगा तब तुम्हारी बिल्डिंग को पानी मिलेगा, जबकि अभी से शुरू है उनके लिए भी पानी। हाँ। ये कोई तरीका है क्या जो आपने सैंक्शन किया है पानी की लाइन, उतनी तो लाइन दीजिए पहले, आप उतनी लाइन का पैसा बराबर ले रहे हैं, आप टैक्स बराबर ले रहे हैं, वाटर बिल बराबर ले रहे हैं, उसके अलावा हम 4-4 लाख हर महीने चारों सोसाइटी मिला के दे रही हैं, 70 लाख के करीब बिल हो गया है, और आपने कहा कि यहाँ के नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक का क्या, वो नुमाइंदे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये इलाका उनके वार्ड में आता है, उनको हमारी देखरेख करना चाहिए, हमारे लिए आके खड़े होना चाहिए कि आपने इसके पहले और 6 महीना पहले भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो लोग आए थे उसमें ये लोग आए थे, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं,
हम पानी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से गुहार लगा रहे हैं। हम हमारे वो विपक्ष नेता शानू पठान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए सुकून वालों के लिए पानी का इंतजाम कराइए। पिछले दो साल से जो लॉलीपॉप सुकून वालों को थमाया जा रहा है, वो लॉलीपॉप का धंधा ये लोग बंद करें, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर बैठे हों, वाटर रेक्स डिपार्टमेंट के हों या दूसरे इनके साथ लगे लिपटे जो फिरते हैं, जो हमेशा फोटो खिंचाते हैं, बयानबाजी करते हैं और आके बोलते हैं अभी तुमको पानी आ जाएगा, छः दिन हफ्ता भर महीना भर आता है, फिर 24 लाइन में से 3 लाइन में पानी रह जाता है। यही सम्प और पंप से जहाँ से लाइन दी गई, जिधर से 2 लाख रुपया खर्चा किया सोसाइटी ने, अपना मटेरियल लगाकर पानी कनेक्शन लिया, वहाँ से पानी आना शुरू हुआ तो पिछली लाइन से पानी गायब। भैया ये तमाशा भी खूब है तुम्हारा, एक हाथ में लॉलीपॉप और दूसरे हाथ में खंजर लिए तैयार है कि जैसी लॉलीपॉप ले लिया आपने चुबा दिया कि लॉलीपॉप गिर जाए और पानी के लिए परेशान है, ये कोई तरीका है? और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, कंडीशनल ओसी होने के बाद भी बिल्डर की भी डेयरिंग देखो, हम यहाँ बिल्डर को अलग, बिल्डर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कंडीशनल ओसी दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको पजेशन देना चाहिए। कंडीशनल ओसी होने के बाद भी वो फुलफिल नहीं कर रहा, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद भी चौथी बिल्डिंग में लोग आना, मतलब ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है वहाँ भी, तो जो पहले 300 फैमिली थी नाउ 400 फैमिली। और अभी जो 3 ड्राइवर आने वाले हैं वो 2 और आने वाले हैं। इस्लामुद्दीन भाई, ये जैसा फोर्थ प्लेयर है मीडिया और आपकी न्यूज़ हम लोग देखते हैं, तो आप ये बात भी ध्यान में रखें कि पहले 3 थे, ये 1, 2, 3 चौथा आ गया, उसी को इसमें 24 कनेक्शन में ज्वाइन किया गया, अब 2 टावर पीछे तैयार है जहां पर वो लोगों को बुला रहे होंगे, आ रहे होंगे या खुद से लोग आ रहे हैं कि सुकून हाइट ग्रेट टावर एक अच्छी लोकेलिटी में है, तमाम मेमेनिटीज है, तमाम फैसिलिटीज है, लेकिन मैं बताता हूँ आने वालों को कि भैया आप बिल्डर से ये लिखवा लो कि मैं घर में पानी आएगा तो मैं आऊंगा या आऊंगी, अदरवाइज वही होगा जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है कि हर महीना हर एक सेरेनिटी पीस और यूनिटी और हारमोनी हर महीना तकरीबन 1 लाख रुपए सिर्फ पानी बाहर से प्राइवेट मंगा रही है। कब तक ये धंधा चलेगा, ये गोरख धंधा? क्या इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ वाटर डिपार्टमेंट वाले भी प्राइवेट वालों के साथ मिले होंगे, कुछ मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? जब आपकी सेंक्शन लाइन है तो हमको बस सेंक्शन लाइन में आप पानी दीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल दी म्युनिसिपल अथॉरिटीज, प्लीज एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट। और सावधान भाई, मेन क्या है यहाँ पर जो रहने का है, ये TMC है, लोग यहाँ पर जो आते हैं क्या सोच के आते हैं कि TMC की बिल्डिंग है, जितने कम्फर्ट्स होंगे, जितनी फैसिलिटीज़ होगी हमारे को वो मिलेगी, राइट? और उसके लिए हम पे भी करते हैं, जैसे मंथली मेंटेनेंस कितना आया होता है, प्लस हमारा ईयरली टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, अगर टैक्स टाइम पे नहीं भरेंगे तो उसका हमारे को एडिशनल चार्ज लगता है, राइट? लेकिन यहाँ पर चार्ज तो लग रहा है अगर लोग नहीं भरते तो, लेकिन जो हमारे को जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जो पानी मिलना चाहिए, वो आज पानी यहाँ पर हमारे को नहीं मिल पा रहा है। आज लोगों का जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जो इतने लोग यहाँ पर उतरे, ये सबर का जो बांध होता है ना, वो इनका टूट चुका है। आज 5 सालों में इतनी परेशानी हो गई है। यहाँ पर ये जोन को नाम दिया गया था कि ये जोन 4 है, मुंब्रा का वन ऑफ द बेस्ट और पॉश एरिया माना जाता है। तो क्या ये बेस्ट तो दिख रहा है, पॉश तो दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हमारे को मिलनी चाहिए थी वो है? बींग लिविंग इन वेल नोन सोसाइटी एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट कम्फर्ट, इट मीन्स इट इज़ गुड फॉर नथिंग। तो हमारे को जो सहूलत जो मिलनी चाहिए, जो पानी आज है, जैसे भाई ने बताया, साथ भाई ने भी बताया, 10 मिनट पानी है, 15 मिनट पानी है, ये 10 मिनट और 15 मिनट के पानी में हमारे को क्या मिलता है? इससे ज़्यादा तो हमारे GP में घर है, वहाँ पर हमको ज़्यादा पानी मिलता है। तो इसके लिए आप प्लीज़ आपके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी बेस्ट हमारे लिए हो सकता है प्लीज़ आप लोग करिए, क्योंकि यहाँ पर घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और उनको 10 मिनट पानी मिल रहा है, आप बताइए कैसा सर्वाइव करेंगे? कोविड का टाइम है, लोगों के पास सैलरीज नहीं है बराबर, बाहर से टैंकर मंगाएंगे, पीने का पानी मंगाएंगे, ये सब कहाँ से मंगाएंगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है, ये सालों साल चलते आया है, और इसलिए आज ये लोग सारे मजबूर होके यहाँ पर उतर के आए। तो प्लीज़ गुजारिश है, जो भी हो सके जल्दी कीजिए और आपके द्वारा जो है सब तक पहुँचाइए। थैंक यू।